गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में, स्टे विद मी में। और ये जो वैकेंसी आई है बिहार सरकार में, बिहार सरकार में भारत राज्य का कोई भी बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सर्वप्रथम जो है ना, सबसे पहली बड़ी बात यही होती है, किंतु परंतु अगर आप बिहार के हैं तो आपको मिलेगा रिजर्वेशन। अगर आप बाहर के हैं तो भले ही आप रिजर्व कैटेगरी, देन यू हैव टू फाइट लाइक ए जनरल कैंडिडेट, लाइक ए अनरिजर्व कैंडिडेट सामान्य, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो चलो, ये वैकेंसी किसके लिए, मैं ये भी बता दूं, सबसे ऊपर लिख रखा है संविदा वैकेंसी, ये ध्यान रखिए संविदा पे वैकेंसी है। और ये कनीय अभियंता है, हिंदी भाई कठिन होती है, आसान नहीं है। आप बताइए, कनीय अभियंता कभी आपने सुना है? लेकिन आपने, हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा कर रखा हो, सिविल इंजीनियरिंग में आपने बीटेक कर रखा हो, बट आपने कनीय अभियंता नहीं सुना होगा, ठीक है। तो कनीय अभियंता का मतलब होता है सिविल इंजीनियर। क्या होता है? सिविल इंजीनियर। अंग्रेजी से कई गुना कठिन हिंदी है भाई। अंग्रेजी में तो अल्फाबेट ए से शुरू हो गए और आपके जेड तक चलेगा, और यहाँ ककारा जब शुरू होता है आ आ से अंगाहा तक जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ककारा तो अलग है, का खा गा गा इंगा वो चलता है। तो पूरा मतलब कि भाई, जिसे हिंदी आती है समझिए कि कहाँ कुछ आता है, जरूर कोई एक अच्छी भाषा आती है जिसे हिंदी आती। तो चलो हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। अस्थायी नियोजन मतलब कि संविदा के तौर पर आपकी भर्ती करी जाने वाली, लेकिन पेमेंट इसमें अच्छी है और करीब करीब 214 पद हैं तो इसमें भरे जाने वाले हैं। अब इसमें देखो बच्चों, ऑल इंडिया का कोई भी बच्चा इसमें अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। इसके जिसके पास कनीय अभियंता में डिप्लोमा वगैरह होगा वो बच्चा इसके लिए अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। तो डिटेल में हम देखते हैं, चलिए आपको। और ऑनलाइन इसके आवेदन पत्र शुरू हो चुके हैं। योग्यता पात्रता की बात करें, असैनिक अभियंत्रण का मतलब होता है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और डिटेल में जानना चाहते हो तो बिहार की ये जो नियमावली है ये आप पढ़ सकते हो। जो मोटी मोटी बात ये, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। चयन प्रक्रिया, कोई इसमें रिटेन एग्जाम नहीं है, नो एनी रिटेन एग्जाम, और मौखिक एग्जाम और इंटरव्यू वाइवा इज देयर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपके जो मेरिट है, आपकी जो डिप्लोमा में जो नंबर है, और आपके एक्सपीरियंस के जो है, जितना एक्सपीरियंस के एक साल का 5 नंबर ये दे रहे हैं, ठीक है। और आपके डिप्लोमा में जितने नंबर है उसके नंबर और एक्सपीरियंस के नंबर मिला के एक बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। जो बच्चे आ जाएंगे उनके लिए ये नौकरी संविदा की बढ़िया। आपकी पेमेंट इसमें करीब करीब आपकी 22 से 25 हज़ार के आसपास, 22 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ की आपकी इसमें सैलरी होने वाली है, ठीक है। तो देखिए, नियोजन की अधिकतम 1 वर्ष अथवा उक्त स्थायी पदों पर नियमित होने जा रहे, जो पहली मतलब 1 वर्ष के लिए अभी आपकी नियोजन हो रहा है, 1 साल के लिए संविदा के लिए भर्ती हो रही है, ठीक है। कनीय अभियंता मतलब सिविल इंजीनियर के लिए चयन के वर्ष 1 जनवरी 2019 को न्यूनतम 16, मतलब कि इसी जनवरी से आपकी उम्र 18 साल से 37 साल के बीच में होनी चाहिए, 18 से 37 साल में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ओबीसी में आते हो तो आपको 3 साल का रिजर्वेशन, 37 में 3 जोड़ो 40, ठीक है। और अगर अगर आप SC ST में आते हो तो 37 में 5 जोड़ो तो 42 साल, तो उसी हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है, ठीक है। आपको ऑनलाइन आवेदन भरना है, 15 तारीख से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 31 जनवरी तक फॉर्म चलेंगे शाम के 5 बजे तक। तो अंतिम डेट का इंतजार मत करिएगा, जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट कभी भी शट ऑफ हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो जितनी जल्दी फॉर्म भर जाएं उतनी बढ़िया बात है। www.phed.bih मतलब bihar.nic.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो और जानकारी भी पा सकते हो। अब देखो बच्चों, बिहार सरकार का ये जिसमें वैकेंसी है, बिहार सरकार का लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है जिसमें आप नौकरी करने जा रहे हो। असैनिक मतलब सिविल इंजीनियरिंग, कनीय अभियंता सिविल इंजीनियरिंग के पद पर आप इसमें वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने वाले हो। तो इसके लिए थोड़ा सा और देखिए, ये जो है ना, इन्होंने अपने बारे में थोड़ा सा बताया है कि ये जो विभाग है ये करता क्या है, कि इसका काम है, इसका जो है ना मोटो है, मोटो जिसे कहते हैं, हर घर नल का जल, मतलब कि सबके घरों में नल लगे हो। नल का मतलब होता है हैंडपम्प, तो हैंडपम्प सबके घर में लगे हो, शुद्ध जल सबको घर घर में मिल रहा हो। तो इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं थोड़ा और, पद का नाम आपका कनीय अभियंता मतलब सिविल इंजीनियरिंग जिसे कहते हो, सिविल इंजीनियर पद है, टोटल 214, ठीक है। और अनारक्षित के लिए मतलब जनरल वालों के लिए 118 पद। महिलाएं, ध्यान से, अगर आपने डिप्लोमा करके रखा है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कर लो, क्योंकि 34 सीटें डायरेक्ट महिलाओं के लिए, जो जनरल सीटें 118 उसमें भी 34 महिलाओं के लिए डायरेक्ट आरक्षित हैं। तो भैया जरूर अप्लाई करो, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं देन यू मस्ट अप्लाई, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 41, पिछड़ा वर्ग के लिए 47, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 8 सीटें रिजर्व हैं, ठीक है। अब ये देखो,
एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप पूरे भारत से कहीं से भी फॉर्म भरते हो ठीक है, तो वो तो बात बढ़ी है, 214 वैकेंसी उनके लिए, लेकिन 85 वैकेंसी 214 में टोटल, ये बिहार वालों के लिए रिजर्व है। इसमें कौन कौन जा सकता है? जिन्होंने बिहार की पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक किया, देखिए, अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से, अनुरूप राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से सिविल डिप्लोमा किया है, 40% कोटिवार आरक्षण के प्राप्त होंगे। मतलब कि अगर आपने बिहार राज्य के किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज से सरकारी, ध्यान रखिएगा इसने सरकारी लगा दिया है, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपके लिए 40% मतलब 85 सीटें आपके लिए रिजर्व हो गई, डायरेक्ट रिजर्वेशन आपको, ठीक है। तो बिहार वाले मस्ट अप्लाई, ऐसे करके आप ये देख सकते हैं। हम थोड़ा सा और आगे, मोटी बात थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये है रिजर्वेशन उनके लिए जिनके पास दिव्यांग मतलब हैंडीकैप्ड है उनके लिए ये रिजर्वेशन, अस्थि दिव्यांग मतलब कि फिजिकली हड्डी वगैरह में कुछ ऐसा शारीरिक रूप से हैं, मूक बधिर मतलब बोल बोल नहीं पा रहे, मनोविकार है कोई तो उनके लिए 2 सीटें, देखने में कोई दिक्कत तो उनके लिए 2 सीटें। तो अगर कोई है तो आप जरूर इसमें अप्लाई करो, आपके लिए बढ़िया काम है ये, ठीक है। तो और अगर आप जो है ना स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हैं तो आपको जो है ना 5 रिक्तियां बनती हैं और आपको 5 सीटें रिजर्व हैं, और ये उम्मीद करता हूँ कि 5 लोग भी कौन ना मिल पाए, ठीक है। अगर आपके आसपास कोई है तो उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि 5 सीटें रिजर्व हैं, बस फॉर्म डालने की डेली आपका जो है ना हो जाने वाला है। देखिए इसमें लिख रखा, आवेदक भारत का नागरिक हो, शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए आपको, मतलब डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, असैनिक अभियंत्रण का मतलब सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक, सिविल इंजीनियरिंग में जिसके पास डिप्लोमा है तो वो बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे, पॉलिटेक्निक वगैरह से जिसके पास डिप्लोमा वगैरह है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और आगे देखेंगे हम, उम्र सीमा की बात हम कर चुके हैं, इसकी बात हम दोबारा से नहीं करने वाले। परिश्रमिक, ये देखो मैंने तो कम बता दी, मैंने तो 22 से 25 हज़ार बताई दिया, इसमें तो ज़्यादा है, 27 हज़ार रुपये, 27 हज़ार रुपये पर महीने के आधार पर आपको भर्ती किया जा रहा है। समय समय पर बिहार सरकार दरों पर भुगतान भी आगे बढ़ाए हुए जा सकता है। तो भैया 27 हज़ार रुपये पर महीने किसे काटता है, आप जो है ना अगर डिप्लोमा कर रखे हो तो खट से अप्लाई करो, संविदा आपकी 1 वर्ष के लिए हो गया। अब हम आपको लेके चलते हैं, वो बताते हैं काम की चीज कि मेरिट कैसे बनेगी। ये देखो मेधा सूची का अंग्रेजी में मतलब होता है मेरिट सूची, मेरिट। तो देखो मेरिट कैसे बनेगी, आपके डिप्लोमा के लिए टोटल मैक्सिमम 75 अंक निर्धारित किए, जितने आपके पास डिप्लोमा होंगे, डिप्लोमा में जो नंबर होंगे, एक तो वो हो गए आपके नंबर, ठीक है, एक लिस्ट उसके आधार पर बनेगी आपके डिप्लोमा के में जो नंबर आपके आए, डिप्लोमा डिप्लोमा, और दूसरी मेरिट बनेगी, दो अलग अलग सेपरेट लिस्ट बनाएंगे, दूसरी बनेगी आपकी आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस, ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस तो 5 नंबर मिलेंगे ऐसे करके। तो दोनों को मिलाएंगे, दोनों को बना लिया, फिर दोनों के नंबर जोड़ लिए जाएंगे, दोनों में धन कर दिया जाएगा, फिर एक बनेगी क्या, फाइनल मेरिट लिस्ट। अब इस फाइनल मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आ जाएंगे बस उनकी नौकरी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये देखो इसमें लिख रखा है आपके जो डिप्लोमा में नंबर आए, ठीक है, फिर इसके अलावा आपके जो है ना बिहार सरकार में कहीं आपने कुछ ऐसा काम किया हो, आपको एक्सपीरियंस है जिसके पास, ठीक है, तो 5 अंक मिलेगा 1 वर्ष के लिए। अगर आपने कहीं बिहार सरकार में कहीं आपने उपक्रम, निगम, निकाय, प्राधिकार, संस्था, संविदा के आधार पर सिविल में कहीं भी काम किया हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आपने कहीं भी काम किया तो जरूर लगाएं, क्योंकि 5 नंबर बहुत होते हैं, आपको मेरिट में ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे अगर एक्सपीरियंस तो जरूर लगाएं आप, ठीक। तो ये बात हो गई मेरिट सूची का निर्माण के लिए। तो मोस्टली बच्चों हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, कोई चीज़ इसमें बची नहीं है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने, ये इसकी वेबसाइट, इस पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिएगा, डेट इन दोनों डेटों के बीच में आपको आप भर देना है, ठीक है। और इसका जब ऑनलाइन आवेदन भर दें तो उसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेंगे और भविष्य में आपको इसका काम आएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। और हाँ, अगर आप प्रथम बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही बनता ही है, और अगर आप बिहार के आसपास कहीं के भी हैं तो वीडियो को शेयर करो ताकि पब्लिक के पास पहुंच सके, बच्चों के पास पहुंच सके और वो लोग इसका लाभ उठा सके। 27 हज़ार रुपये पर महीने की नौकरी है, कम से कम 1 साल लगेगी, उतने में आप 27 हज़ार रुपये मिलते रह गए, अपने पैरों खड़े रहोगे, किसी और एग्जाम की तैयारी करना है, कम से कम कोचिंग फीस देके 1 साल तैयारी तो कर पाओगे किसी की, फिर फाइनल किसी का एग्जाम आएगा फिर आप भर सकते हो और अच्छी जॉब पा सकते हो। ये एक आपकी करियर की एक शुरुआत है, एक प्लेटफॉर्म दे रही है, 1 साल के लिए आपका बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। तो तुरंत इसमें जॉब भी शुरू हो जाएगी, आप साइड में अपनी पढ़ाई लिखाई तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी, क्योंकि करियर इसी पर रोकना नहीं, हमें नित आगे बढ़ते जाना है। तो ज़रूर शेयर कीजिए
और इसके होने के बाद आप फिर से किसी गवर्नमेंट, अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या अपने पैसन जो आपका है उसमें करियर बना सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वंदे मातरम।